बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और माय यूट्यूब फैमिली। और आज की शेयरिंग में है फिंगर फ्राइड फिश, डीप फ्राइड फिंगर फिश, और ये है दो, एक सॉस के साथ और एक केचप के साथ। तो बहुत ही यमी और टेम्प्टिंग रेसिपी है और बनाने में इंतहाई आसान है। तो ये इसका डेमो हम स्टार्ट करने से पहले इसका लुक दिखाते हैं। ऊपर से ये क्रिस्प है और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट है, खाने में बहुत मज़ेदार है। इसको आप ग्रीन सॉस या केचप के साथ आराम से खा सकते हैं। तो चलें, जायका चखने के बाद करते हैं इसकी तैयारी। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक पतीला और इसमें चूँकि फ्रोज़न है फिश तो इसको हम डिफ्रॉस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे फिंगर फिश जो कि ऑलरेडी फिंगर में है और ये रेडीमेड ही आई है बाज़ार से ऐसी। तो आप फिंगर बनवा लें फिश के और फिर इनको अच्छे से वॉश कर लें। मैं यहाँ वॉश करूँगी इनको डिफ्रॉस्ट करने के लिए क्योंकि ये फ्रीज़र में ऑलरेडी मौजूद थी। तो इसको करेंगे हम अच्छे से डिफ्रॉस्ट, पानी में इसको सोक करने रख देंगे और इसको ज़्यादा खींच खींच के हटाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फिंगर्स हैं फिर ये ब्रेक होने लग जाते हैं। तो इसको इसी तरह पानी में सोक करके हम छोड़ देंगे ताकि ये डीप फ्रॉस्ट हो सके। इसके बाद ये हो गई है डीप फ्रॉस्ट, तो इसका हम सारा पानी निकाल देंगे और एक्सेस पानी से इसको और अच्छे से धो लेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह, वैसे तो है नहीं, इन केस अगर हो तो वो रिमूव हो जाए, और उसको एक छलनी में रख देंगे ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए। फिर इस ड्रेन शुदा फिश को हम एक तस्ले में डाल देंगे। इसका पानी हमने अच्छे से रिड्यूस कर लिया है, याद रहे। और अगर आपको जल्दी बनानी हो तो आप जो है इसको टिश्यू पेपर से वाइप भी कर सकते हैं या किचन टॉवल से वाइप कर सकते हैं। तो इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें है नमक, हल्दी, मिर्चें और ये एक चटपटा मिक्स मसाला है मेरे पास जो मैंने अक्सर रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया है, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईज़िली इसको आप परचेज़ कर सकते हैं बाज़ार से मिक्स मसाला के नाम से। सारी चीज़ें डाल देंगे फिंगर फिश पर और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं मैंने मिक्स करके रख दिया है इसको। फिर इसको मैरिनेट करने के लिए हम 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, कवर करके छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे बेसन। बेसन आप जो है फ़िश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 कप, उसमें डाल दिया है आधा टी स्पून और टेबल स्पून सॉल्ट और हसब जायका सॉल्ट। बेसन मीन्स चिक पी फ्लावर। उसमें डाल देंगे हसब ज़रूरत रेड चिली, आप अपने हिसाब से रेड चिली को एडजस्ट कर सकते हैं मैरिनेशन में, इधर भी और उधर भी, यानी फिंगर फिश में भी। तो मिर्च आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से जो है एक क्रिस्प कोट चढ़ जाता है इसके ऊपर और फिर जो है फूली फूली और मोटी मोटी सी फिंगर फिश फ्राई होती है जो देखने में अच्छी लगती है। फिर इसका हम बना लेंगे एक स्मूथ सा बैटर पानी की मदद से। सिंपल टैप वाटर लेंगे और इसमें जैसे हम नॉर्मल स्मूथ बैटर बनाते हैं बेसन का, बिल्कुल इसी तरह का हम एक बैटर इसमें बना देंगे। अच्छे से मिलाएंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो यहाँ हो गया है ये बैटर तैयार। इसको थोड़ा सा कलर इन्हेंस करने के लिए हम इसमें कुछ फूड कलर का एडिशन करने वाले हैं। तो फिर इसमें हम डाल देंगे 2 पिंच येलो फूड कलर और जर्दे का रंग, 1/4 टीस्पून या 2 पिंच, जितना आपको कलर इन्हेंस करना हो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने कलर डाल दिया है और इसको कर देंगे अच्छा सा मिक्स। तो एक येलोइश सा इसका टोन आ जाएगा जो फ्राइंग में बहुत अच्छा लुक देता है। तो जी ये बैटर भी तैयार हो गया है, इसको भी 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, काउंटर पर ही छोड़ देंगे इसको भी। और फिर इसके छोड़ने के बाद इस दौरान हम कर लेंगे सॉस की तैयारी। तो सॉस के लिए मैंने जार ग्राइंडिंग जार में डाला है धनिया और पुदीना, 1-1 गड्डी डाल दी है, इनको धो के अच्छे से साफ़ करके डाल दिया है। तो आप जो है धनिया पुदीने की मकदार बराबर रखें। फिर इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा जो कि अक्सर हम चटनियों में डालते ही हैं। सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे इसमें 1 से 2 टेबल स्पून।
उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, 5 से 6 हरी मिर्चें डाल देंगे। अच्छा, इसमें भी हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे और फिर ये सोक की हुई इमली, इसको हम छान के इसी में ही डाल देंगे और इसका ये जो पल्प वगैरह है ये रिमूव कर देंगे, बीज वगैरह। सिर्फ हमें इसका पल्प ही डालना है, बाकी ये जो इसका ये मटेरियल निकलेगा इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ हो गया है सारा सामान ऐड, इसको कर दिया मैंने ब्लेंड, और ब्लेंडिंग के बाद फिर हम इसको निकाल देंगे एक बोल में। तो ये इतना रनी होना चाहिए, थिक भी रख सकते हैं लेकिन रनी की कंसिस्टेंसी में ज़्यादा मज़ा आता है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला था इसमें, और इसको कर देंगे मिक्स। तो ये हमारा ग्रीन सॉस तैयार है, यमी फिंगर फिश फ्राई के लिए। इसको करेंगे साइड, इसको आप जो है फ्रीज कर सकते हैं 1 से 2 दिन रेफ्रिजरेटर में, और फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा, फिंगर फिश को हम करेंगे बैटर में कोट, इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे, और फिर इसको करेंगे हम डीप फ्राई, स्लो हीट पर डीप फ्राई करेंगे। मतलब तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ताकि जो है ये ऐसा ना हो कि फिश अंदर से कच्ची रह जाए और ये ऊपर से ज़्यादा डार्क हो जाए। तो लो फ्लेम पर मैंने इसको अभी छोड़ा है, अब ये देखें मीडियम फ्लेम कर दिया है, इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और सारी फिंगर फिश जो है मैंने बैटर में ऑलरेडी मिक्स कर दी हैं ताकि वन बाय वन डिप ना करना पड़े, बस आप निकालें और उनको फ्राई करते रहें। तो ये होने वाला है इसका कलर गोल्डन, इसको करेंगे सेपरेट ऑयल से और इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। टिश्यू पेपर पर भी निकाल सकते हैं एक्सेस तेल को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ थी हमें जल्दी, तो यहाँ मैं निकाल दूँगी इसको डायरेक्ट इन प्लेट। तो इसका अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन कलर आ गया है, ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी है और अंदर से ऑब्वियसली इसकी फिश जो है बहुत अच्छी सी गली भी होगी इंशाल्लाह। इसको निकाल लेंगे हम, और तेल का जो टेम्परेचर है वो अभी मेंटेन ही है मीडियम फ्लेम पर, तो हम इसमें और डाल देंगे फ्राइंग के लिए। इसी तरह आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप अपने हिसाब से इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं करूँगी 2 बैच फ्राई सिर्फ, और फिर इसकी दिखाऊंगी सर्विंग। तो यहाँ मैंने डालना शुरू कर दिया है और फिंगर्स को, ताकि वो इन बिटवीन फ्राई होते रहें, कलर सबका इक्वल ही आएगा इंशाल्लाह। आप ध्यान से और केयरफुली इसमें डालें और इसको फ्राई करें तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन फ़िश फ्राई होती है ये, और बहुत खाने में आसान, सॉरी खाने में मज़ेदार और बनाने में आसान है। तो यहाँ डाल दिए हैं मैंने 5 से 6 पीस, जितनी बड़ी कढ़ाई की गुंजाइश है उसके हिसाब से डाल दिए हैं सब। इनको करेंगे फ्राई और फिर हम दिखाते हैं जो मैंने पहले फ्राई कर ली थी उनकी सर्विंग। तो जी ये है फ्राइड फिश की सर्विंग, और इसको मैंने सर्व कर दिया है उसी ग्रीन सॉस और केचप के साथ। रायता भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्रिस्पीनेस देख लें आप कितनी अलग अलग और क्रिस्प क्रिस्प लग रही है। तो इसको करते हैं इंजॉय, एक पीस उठाएं और ये देखें तोड़ के भी दिखाते हैं हम, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से देखें कितनी सॉफ्ट और गली हुई है। फिश तो वैसे भी एक ही आंच में गल जाती है, बस इसका क्रिस्पीनेस मेंटेन रखना होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।